बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कातिल, और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन, और मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर। मेरा नाम है यूनुस खान। मुबारक हो पाकिस्तानियों को ये खबर मेरी। टीटी कहाँ गया ये आपका? आज नहीं करूंगी आपका, मेरा खुशी वाला भी डोमेन लगता है। अच्छा, मैं आपको न्यूज बताऊँ। पहले तो ये देखें, आईसीसी ने पाकिस्तान को रिस्पेक्ट दी, ठीक है। T20 की टीम अनाउंस हुई है, वनडे इंटरनेशनल की टीम अनाउंस हुई है, और टेस्ट की टीम अनाउंस हुई है। तो ये पिक्चर्स आप सामने देख सकते हैं। टेस्ट टीम में है फवाद आलम साहब, हसन अली साहब, शाहिन शाह अफरीदी साहब, तालियां होनी चाहिए। वनडे इंटरनेशनल में है बाबर आजम साहब, फखर जमान साहब, तालियां होनी चाहिए दोनों के लिए भी। एंड बाबर आजम के लिए एक्स्ट्रा ताली होनी चाहिए, बिकॉज ये वनडे इंटरनेशनल टीम के कैप्टन भी हैं। वाओ, अब एक बार सारे नाम अनाउंस कर ले। जी जी, फुर्सत से तालियां बजा। ये पाकिस्तानी कौम का मसला है, कितनी कंजूस, तालियों में भी कंजूसी तो फिर क्या होगा इस कौम का। आप एक ही दफा सब चीजें बता देना, फिर हम लोग एक साथ जो है वो ताली बजा लेंगे। मेरा पूरा शो सिर्फ तालियों में गुजर जाएगा। लेकिन बाबर आजम रियल हीरो हैं पाकिस्तान के। उन्होंने बहुत एफर्ट से बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जिससे हम वाकई उन पर फख्र कर सकते हैं, तो इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए। और एंड वक्त तक जो है वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी, तो इस पे तो वाकई में क्या फिर से बजानी है तालियां। अभी मोहम्मद रिजवान साहब, बाबर आजम साहब और शाहिन शाह अफरीदी T20 की भी टीम में अनाउंस किए आईसीसी की, तो अब तालियां होनी चाहिए। देखिए, आप ये मत सोचें कि ये आपकी तालियां जाया जाएंगी। ओके, कभी आप आगे जाके कवाल के पीछे भी बैठ सकते हैं और फिर तालियां बजा सकते हैं। इट्स अबाउट ट्रेनिंग, इट्स लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस कभी नहीं रुकना चाहिए। मुझे पहले शक था, अब आपकी बात पे मुझे यकीन हो गया। आप पहले ही बैठी हुई है राहत फतेह अली खान के पीछे, लेकिन अच्छी बात है। देखें, ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि आईसीसी जो है हमेशा बायस्ड रहा है, क्योंकि बीसीसीआई अगर भारत क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, उनका इतना प्रेशर होता है, बिकॉज वो एक सिंपल, इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्यों, कमर्शियल हब है, उधर से ही सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करता है इन्वेस्टमेंट ही। एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट ही वहीं से आता है। एग्जैक्टली, तो ये पीसीबी जो है हमेशा उनको एक तरह से हकारत की नजर से देखा गया, बट हमारे प्लेयर्स ने जो परफॉर्म किया है, मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूं, मुझ जैसे करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान में, बट आई एम टेलिंग यू कि दिस टीम इज समथिंग डिफरेंट, इट्स यूनिक। हमने पिछले 10 सालों में शायद अफरीदी के बाद, आई डोंट थिंक सो वी हैव अ स्टार लाइक बाबर आजम, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहिन अफरीदी, मोहम्मद शाहिन शाह अफरीदी, मतलब एक अफरीदी जाता है दूसरा आ जाता है। व्हाट इज दिस बिहेवियर अफरीदी? ये बहुत अच्छी न्यूज है एंड आई एम वेरी हैप्पी, बट आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन, बिकॉज ये वो जमाना खत्म हो गया जो कहते थे कि औरतों का काम सिर्फ किचन में है, लेकिन अब वुमन क्रिकेट टीम भी बहुत अच्छी परफॉर्म करती है, औरतें इतना आगे हैं स्पोर्ट्स में, एंड आई एम हैप्पी फॉर माई कंट्री। कायनात, आई वॉन्ट टू नो कि व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? अच्छा यूनुस, मैं जैसे कि आप बहुत सारे एपिसोड्स में मैंने कहा था, लड़कियों का एसएच नहीं होता क्रिकेट में, लेकिन इस बार जो बाबर आजम की और हमारी पूरी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी थी, जिसकी वजह से मुझे इतना प्राउड हुआ, मैंने कहा कि ठीक है, मतलब तुम जीतो या हारो, वो गाना बहुत पहले हम चलाते थे, सुनते थे, अपने आप को मोटिवेट करते थे, तुम जीतो हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो इस पाकिस्तान को फख्र, वो कहते ना कि फख्र और एक उम्मीद उनको उनके अंदर जगा सके, खासतौर पर इंडिया को। इंडिया को तो क्या उन्होंने पीटा था, इंडिया हमेशा से, देखिए आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, इंडिया टेक्नोलॉजी में हमसे आगे, इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इन्वेस्टर्स ज्यादा है, क्योंकि वो बड़ी कंट्री भी है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट में भी आगे, एक्सट्रीमिस्ट जी उसमें तो बहुत आगे, वो तो मैं बताऊंगी, ये तो शो ही हम इंशाल्लाह आगे भी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इस चीज से हम डिनाई नहीं कर सकते कि वहां इन्वेस्टर्स ज्यादा है, लेकिन अब आप देखें कि उनकी क्रिकेट टीम जी जहां से कोशिश कर रही है, लेकिन वो पाकिस्तान का जो प्राउड है या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को नीचा नहीं दिखा पा रही, नीचा इन सेंस की बहुत सारी फाइट्स होती है, बहुत सारी चीज होती है, बट गेम में भी जो है पाकिस्तानी क्रिकेट अपने आप को खुद मनवा रहे हैं। इतने मैं बताऊं, बीसीसीआई इतना, मैं कहता हूं कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड है ना, विराट कोहली अभी कैप्टनसी से छोड़ दिया जी, जी, जी। और साउथ अफ्रीका से सीरीज भी हार गए, अभी टेस्ट सीरीज, अभी वनडे सीरीज अभी चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो है ना अपने लोगों को भी गिराते हैं, लेकिन दूर की बात, लेकिन यूनुस यहाँ पे ना आप जैसे कहते हैं ना हर एंगल, लेकिन यहाँ पे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अब कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कोई मैच फिक्सिंग का ये ना करे, क्योंकि डर भी लगता है अगर
अगर आप जाने ना जाने तो ये इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से और इंडियन जो इन्वेस्टर्स है वो बड़ी कोशिश करते हैं पाकिस्तानी टीम से। मैं एक चीज इस पे बताऊं, सबसे पहले तो सीरियसली आप बहुत अच्छी न्यूज लेकर आए हैं और ये सुबह सुबह जब हम ऐसी न्यूज सुनते हैं तो हमारे लिए गुड न्यूज ही होती है। और दूसरी चीज ये देखिए आईसीसी के हवाले से अगर मैं कहूँ तो आईसीसी हकीकत बात है कहीं ना कहीं उनका जो एक पलड़ा है वो नजर आया है कि वो भारत के लिए भी कहीं झुका हुआ नजर आया है, आप समझ रहे हैं। हाँ तो उनका जो एक पलड़ा है वो पूरा ही भारत की तरफ झुका हुआ आया है, जैसे कायनात ने बताया, क्योंकि भारत से उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है, बहुत सारी चीजों पे उनको बेनिफिट मिल रहा है। अंदरूनी कहानी क्या होती है, क्या क्या मजीद बेनिफिट मिल रहे हैं हमें नहीं पता बहरहाल, लेकिन इन चीजों पर तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट आईसीसी को मिलता है। पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान पे जब भी हमारे आईसीसी से मुझे जो पर्सनली शिकायत है मैं बता भी देती हूँ आज क्या शिकायत है, आप कर लें तो आईसीसी से मेरा जो पर्सनली शिकवा है कि हमारे यहाँ पर अगर हम एक रन रेट देखें ना तो यहाँ पर हमारे जो हमारे खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, जैसे बाबर आजम हम कहते हैं कि वो एक मशीन की तरह खेल रहे होते हैं, रनिंग मशीन है। उसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली अभी ओवरऑल जो रिजवान साहब ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है कोई नहीं भूल सकता, क्या उन्होंने जो है मतलब अपनी कारकर्दगी दिखाई है सीरियसली, मतलब एक ये जो हमारे नए नए खिलाड़ी जो खास तौर पर नए नए इसलिए कहूंगी क्योंकि हम अभी पाकिस्तानी टीम ऐसे एक सर्कल में है कि हम किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कौन कब किसका बल्ला चले हमें पता ही नहीं चलेगा। 11 मैच विनर्स एक टीम में, आसिफ अली का आपको याद होगा, जी जी बिल्कुल याद है उनको, दो छक्के तो भूल ही सकते, अफगानिस्तान अभी तक रो रहे हैं इस बात पर। जी उशिया यूनस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे कि T20 और वन डे का जो इन्होंने कैप्टन बनाया है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट यूनस, आपसे पहले मैं ये कहूंगी कि आज उर्शिया और आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी ना स्पोर्ट्स एंकर्स बैठे हैं और आपस में हम चले जाते हैं। नहीं, मुझे आपको देख के तो लग रहा है कि हम किसी स्कूल में आ गए। This heart is very cute, no? ये नम क्या कहना चाहती हूँ? आपने जिन लोगों को नहीं पता ना, you know, आप किसके सामने बात कर रहे हैं? तो I just saw her expressions, आपने randomly उनको कट किया तो एकदम से वो डर गई कि पता नहीं भी मेरे कोर्ट पे तनकीद आने वाली है। I was looking at her. खैर, anyways, coming back to your news, मुझे seriously I had goosebumps जब भी मैं ये क्रिकेट देखी। बाबर आजम no doubt he's the finest artist in the cricket, but इसके साथ साथ हमारे मतलब हमारे जो क्रिकेट के प्लेयर्स उन्होंने हमेशा हमें ऐसे प्राउड मोमेंट्स दिए हैं कि मतलब एक के बाद एक विक्ट्री हमें फतह मिली है और हमारा नाम रोशन किया है। एंड देन ये जो अभी आपने न्यूज़ हम सबके साथ शेयर किए इसके लिए मैं पर्सनली क्लैप करना चाहूंगी। इससे पहले मैं फैन, टू बी ऑनेस्ट, कभी कभी सच्चे खुलासे कर देना चाहिए, मैं इतना क्रिकेट, लेकिन बाबर आजम की कारकर्दगी के बाद मैं लिटरली बहुत इंप्रेस हुई हूँ और मतलब मैं क्या पूरी नेशन इंप्रेस हुई है और बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाबर आजम की वजह से ही क्रिकेट देखना शुरू हुई, इंक्लूडिंग वन ऑफ मी। देखें, हमें दुआ करनी चाहिए बाबर आजम के लिए कि इनको नजर ना लगे और अल्लाह और कामयाबी दे पाकिस्तान टीम को, जो है ना उनके लिए दुआ करनी चाहिए उनको नजर। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझसे कहें कि मेरे लिए दुआ करो और मैं कहूं कि मैं आपसे पैसे चार्ज करूंगा तो आपको कैसा लगेगा? तो इस दुआ का कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं लॉस होती है दुआ। ऐसे भी आप कौन है जो मैं पैसे दूं आपको दुआ करने के लिए? अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास होंगे तो देंगी ना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर एक ऐप है, यूनस कभी किसी को वो नहीं कहना चाहिए, मजाक कर, हर एक इंसान के पास होते हैं। मजाक कर रहे हो, आप तो सिंधी हो गए, आप कराची में रहती हो, आप तो वापस जा रहे हैं। एक नौजवान लड़का है जी लाहौर में, ठीक है, वो भूखा नहीं मरेगा। उसने एक फ्रीलांसिंग ऐप में अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन डाली है कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, एक दरबार में जाके उसके मैं पैसे चार्ज करूंगा और उसकी रेट लिस्ट भी है। लेकिन वो रेट लिस्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से टाइनी से मीठे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और हम यहाँ पे ब्रेक से वापस आ चुके हैं, लेकिन मेरा तजस्सुस बरकरार है क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले यूनस हम सबको दिखाने वाले थे कुछ आमिल जुनैद, नॉट आमिल जुनैद, बंगाली टाइप बाबा, कुछ ऐसे बाबा जो इसी तरह का कारोबार करते हैं और पैसे लेके दुआएं देते हैं। तो ये दुआ है या ये कारोबार है या ये फ्रॉड है, स्कैम है, क्या ये आप एक्सप्लेन? देखें, इट्स नॉट फ्रॉड, सर्विसेज है। कोई बंदा जो उस पर्टिकुलर शहर में नहीं है, वो बाहर रहता है, उसने कहा मेरे लिए दुआ कर दो, फ्री में नहीं करूंगा, जानी पैसे दो। और सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, लेकिन बीच में ये किसी सेकंड पार्टी को क्यों इन्वॉल्व करें? डायरेक्ट रापता होना चाहिए ना। नहीं नहीं, इट्स अबाउट कि वो ईमान है किसी का, किसी का फेथ है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। व्हाट वी आर हियर कि एक बंदा है कितना स्मार्ट है, उसने अपनी सर्विसेज ऑफर की लोगों के लिए और लोगों ने वो सर्विसेज अवेल की, लोगों ने ली, जी जी, और उनकी रेट लिस्ट जरा देखें, ये जरा चेक कीजिएगा, ये तो बहुत कमा रहे हैं जी। $15 ले रहे हैं वो एक सिंगल प्रेयर का,
ठीक है, एक दुआ के और 24 घंटे के अंदर करेंगे एक सिंगल प्रेयर, ठीक है, $25 लेंगे एक दुआ के लिए और वो दिया साथ लेके जाएंगे दरबार में, ठीक है, $45 लेंगे दुआ के लिए, दिया के लिए और खाने के लिए, अगर वहां पे कुछ बांटना हो, किसी को कुछ खिलाना हो, न्याज वगैरह जो करते हैं। यस यस यस, मोहम्मद कामरान अकमर इज नेम एंड वो एक ऐप से काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको ये बताने का मकसद क्या है कि दुनिया भर में लोग फेथ है, वी आर नॉट डिस्कसिंग हेयर के क्या सही है क्या गलत है, वी आर नॉट डिस्कसिंग हेयर, वॉट वी आर डिस्कसिंग हेयर इज के हाउ यूजिंग योर माइंड। देखिए एक सिंपल सी चीज है, पहले बंदा पैसे कम चार्ज करता था लेकिन तब लोगों ने बोला कि आप दरबार में जाके ही करें, उस पर्टिकुलर दरबार में जाके ही प्रे करें, उसने बोला मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, वो एडिशन कॉस्ट होगी, लेकिन इसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आपकी नया पार लगेगी या नहीं लगेगी। वो वीडियो बनाएगा, वो कुछ करके उनको प्रूफ देगा, उसका काम है दुआ पहुंचाना। मैं एक चीज आपको बताती हूँ यूनस, आपने तो इस बंदे के बारे में बताया अभी, कुछ आप अगर गांव देहात में जाए तो वहां पर एक अलग ही कोई वहां पर सिस्टम चल रहा है। वो क्या चल रहा है, मैं रिसेंटली अभी कल की परसों की बात है, मैं FB स्क्रॉल कर रही थी तो उस वक्त मैंने देखा छोटा सा एक बच्चा, हार्डली उसकी एज होगी कोई 7 साल उसकी उम्र है, और उसने जो है वो मैट्रिक तक तालीम हासिल कर ली, मैट्रिक तक तालीम हासिल की, तो वो गांव में रहता है, तो अब आप जब वहां तालीम याफ्ता होंगे तो आप वहां पर सबसे थोड़े मुख्तलिफ ही लगेंगे, आप बातें थोड़ी बड़ी बड़ी करेंगे। तो लोगों ने क्या किया कि लोग आए, लोगों जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगा तो लोगों ने कहा इसके पास कोई पावर है, ये फ्यूचर के बारे में कुछ बता सकता है, आप बिलीव नहीं करेंगे उसका पैसा कमाने का, वो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। मुझे अगर वीडियो मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर वो शेयर भी करूंगी कि एक बच्चा बैठा हुआ है और वो बाबा बन के बैठा हुआ है और तमाम पूरे जितने भी वो गांव के लोग हैं वो आ रहे हैं उसके सामने माथा टेक रहे हैं और उसको पैसे देख रहे हैं। आप ये देखिए कि वो अब उसको मजा आ गया, उसका जरिए मौज बन गया। रिपोर्ट दैट सॉर्ट ऑफ वीडियोस मैंने तो की है, मैंने तो अपनी तरफ से की है, लेकिन हवा दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन पता है आप वीडियो तो हट जाएगी फ्रॉम दैट ऐप, लेकिन आप जो व्हाट्सएप पे वायरल होती है, जो फोन्स के थ्रू वायरल हो रही है, जो ईमेल्स के थ्रू वायरल हो रही है, उसको तो नहीं रोक सकते ना। यू कैन रिपोर्ट इट फ्रॉम फेसबुक, फेसबुक हटा देगा, इंस्टाग्राम शायद ना हटाए। आवाम के अंदर यही अवेयरनेस तो लानी है हमने। नहीं तो देखिए वो हमारा काम नहीं है, वो हमारा काम है, वी कांट फोर्स आवर ओपिनियन ऑन देम, फोर्स नहीं कर रहे हम, समझ समझा सकते हैं आप, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं देखने वाले भी उस चीज को दो पल के लिए तो सीरियस होके सोचेंगे, गौर फिक्र करेंगे, और फिर अगर उन्हें हमारी बात सही लगेगी तो वो शायद करने की कोशिश भी करेंगे। हम इम्पोज नहीं कर रहे अपनी राय अपने ख्याल, लेकिन हम एटलीस्ट उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, बाकी उनका है डिसीजन। बट मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हम यहाँ पे अगर बात भी कर रहे हैं ना तो किसी के भी मुंह से निकली भी कोई भी बात करके वीडियो कट करके कोई भी कहीं भी लगा देगा। मैं एक बात कर रही हूँ ऑन स्क्रीन बैठ के, मैं ये बात कर रही हूँ, कभी भी इस तरह का टॉपिक होता है, मुझे बहुत ही मशहूर, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था एक कोट था कि आप इमोशनली और रिलीजियस जो टॉपिक्स होते हैं या रिलीजियसली किसी से बात करके किसी भी इंसान को इसके इमोशंस उजागर करके उसको फूल बना सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग अगेन, प्लीज डोंट जज मी प्लीज, गलत उस पर नहीं कि मैं दुआ को नहीं मानती, मजार को नहीं मानती, प्लीज नहीं, ये बातें सोचिएगा भी मत। मेरा कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लोग यहाँ पे ये सब चीजें इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं ईमान की कमी है। देखें ये मेरे लिए 6 है, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट पर्सन इट कैन बी अ 9, सो इट्स ऑलवेज अ सिंपल थिंग कि पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, हमारी चेयर में हमारे शूज में आके शायद वो बंदा उस तरह के सोचे, बट ऑन द ऑपोजिट अगर वो ऑपोजिट खड़ा है हमसे विद एनी पर्सपेक्टिव तो डिफरेंट करेगा। तो यूनस वही बात है, आपकी ईमान की कमी है ना, जब आपके अंदर ईमान जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा तो आप तो किसी पे भी यकीन कर लेंगे, कुछ भी लेट सपोज मैं हूँ बैठी हुई और मैं ये लिख कर बैठी हुई, अच्छा जी ये बंदा तो वो मुझ पर बिलीव करना शुरू कर देंगे। तो लोगों ने इसी चीज को जो है वो फायदा उठाया और इसी पे तो है वो पैसे कमा रहे। मेरा एक सवाल था आपसे कि ये जो इंसान है, आई मीन जो भी ये साहब जो ये काम कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब जादू टूना उन्होंने कुछ चीज देखी होगी तो ना। देखिए किसी ने बोला, जहां तक मुझे लगता है किसी ने बोला नहीं होगा, बट व्हाट ही सेड ही ऑफर्ड इट, लोगों ने लिया, आपकी मर्जी। जी जी जी, वो उन्होंने बोला कि मैं ये कर सकता हूँ,
करवाना है तो बताओ, उन्होंने बोला हाँ ठीक है। ऐसी ऐसी बहुत सारी ऑफर्स होती है हर जगह पर होती है, लेकिन हमें जो है ना वो ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि उर्षिया अभी लोग इस चीज को लेके सीरियस हो या ना हो, लेकिन ओमिक्रोन को लेके लोगों को काफी सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि वो वाकई एक संजीदा मुद्दा बन चुका है। और ये मुद्दा ऐसा है कि हमें इसके साथ साथ रहना है, जैसे आपका रिलेशनशिप या शादी पुरानी हो जाती है हम नहीं छोड़ सकते और नहीं छुटकारा, तो ऐसे ये भी एक ऐसी बीमारी बन चुकी है, एक ऐसी डिजीज है कि जिससे आपका छुटकारा फिलहाल तक तो मुझे नहीं नजर आ रहा है। कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी, दुनिया बहुत जदीद हो चुकी है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि वो इतनी जदीद हो के भी ना जदीद लगती है मुझे, क्योंकि उनको खत्म करने वाली कोई बला पैदा नहीं हुई है ना, इसलिए मैं बोल रही हूं। यानी कि जान नहीं छोड़ रही, जान नहीं छोड़ी, और हमें कहीं ना कहीं यूज्ड टू भी हम इम्यून हो चुके हैं। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, मुझे तो लगता है हम सब यहाँ ओमिक्रोन से होके गुजर चुके हैं। तो ओमिक्रोन जो है वो मोर ट्रांसमिसिबल है कंपेयर टू डेल्टा, लेकिन डेल्टा ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो इतना जल्दी इजीली फैल, सिम्टम्स ज्यादा इसके डेंजरस, सिम्टम्स माइल्ड ओमिक्रोन के हैं। और एक बात तो आप यहाँ पे ये जान लें कि ओमिक्रोन और डेल्टा में जो चीज ज्यादा आपको खतरा पहुंचा सकती है दैट इज डेल्टा वेरियंट, ठीक है। ओमिक्रोन इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ओमिक्रोन इज मोर ट्रांसमिसिबल, जैसे कि अगर मुझे है तो कायनात को बहुत आसानी से जा सकता है, डेल्टा इतना इजीली इन तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन डेल्टा ज्यादा खतरनाक है। तो कहीं पे भी आप सेफ एंड सिक्योर नहीं है, सेफ एंड सिक्योर आप सिर्फ एक केस में अगर आपकी वैक्सीनेशन हो गई है तो। देर आर सम सिम्टम्स जो कि बहुत आम से और आम इंसान को घर पे बैठे बैठे भी हो सकते हैं, जो कि हमें लगता है कि शायद हमें कोई नॉर्मल फीवर है सीजनल, जैसे कि मौसम भी बदल रहे हैं तो हमें लगता है कि गले खराब हो रहे हैं, या थ्रोट में ऐसे इचिंग से फील होती है, जैसे कि मुझे तो रोजाना हुई रहती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब तक मैं कोई कावा वगैरह ना पी लूं। तो देर आर सम सिम्टम्स थ्रोट में, अगर आपको इचिंग से फील हो रही है और आप थोड़ा सा अनप्लेजेंट फील कर रहे हैं बात करते हुए, या ब्रीदिंग में कोई इश्यूज हो रहे हैं, लोअर बैक में आपको पेन हो रहा है, या फिर आपको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, उसके साथ साथ आपको सर में भी दर्द रह रहा है और आपकी आंखें थोड़ी भारी से हो रही है, या फिर डिजीनेस, मतलब थोड़ा थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस हो। अब ऐसा नहीं कि प्रॉपर आपकी दुनिया घूम रही है और आप गिर रहे हैं, बट थोड़ा सा आपको अनबैलेंस अपने अंदर डिसबैलेंस फील हो रहा है। तो ये बहुत सिवियर, ये बहुत माइल्ड एंड सिवियर नहीं, लेकिन अगर आपको ये हो रहा है तो प्लीज कहीं ना कहीं ये इशारा है ओमिक्रोन की तरफ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड प्लीज सबसे पहले तो अपनी वैक्सीनेशन जाके करवा लें, क्योंकि अभी भी आई हैव सीन सो मेनी पीपल, अपने जानने वाले सर्कल में बात करूं, कहते हैं कि हमें ट्रेवल नहीं करना तो हम क्यों लें वैक्सीनेशन। Exactly. आपको ये नहीं पता कि आप अपने साथ जितने भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आप उनको अफेक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, बट ये आपको नहीं पता क्योंकि आपको तो लगता है कि आपको कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कराची वालों आप लोग भी जरा गौर से सुने, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर्दियां जो है वो चल रही है, और सर्दियों में वैसे ही इतने वायरल फ्लू वगैरह चल रहे होते हैं, तो हम क्या करें वैक्सीन लगाने का, हमारा तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप लोगों के लिए भी ये खबर है। और सिंध में फिर से लॉकडाउन भी लग रहा है, वो मैं बताऊंगी, लेकिन वो आपने मेरे लिए छोड़ना है, दस्तावेजात तो आप ही नशर करें, दैट इज योर जॉब, वो मैं आपसे नहीं छीन रही हूं। लेकिन इसके साथ साथ मेक्सिको में मैं आपको बता दूं एक बुरी खबर, ये वैसे तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि सुबह में आपसे कोई ऐसी खबर शेयर करें, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ होस्ट, एज एन एंकर, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आपके साथ जो भी दुनिया में हो रहा है वो शेयर करें, आपको बताएं। इस पे मजीद हम बात करेंगे आके, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहेगा, क्योंकि ब्रेक के बाद मूड को लाइट करने के लिए हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, जिन लोगों ने अभी अभी अपने चैनल को स्विच किया और प्ले एंटरटेनमेंट किया है, तो जी हाँ, हम आपको बहुत सारी एंटरटेनमेंट की न्यूज भी देंगे, लेकिन उससे पहले हम जो अपनी बात कर रहे थे वो बीच में आधी अधूरी रहेगी, और आधी खबर देना भी गलत बात समझी जाती है। तो यहाँ मैं अपने टॉपिक को सम अप करूंगी, और आखिर में एक मेक्सिको की जो रिपोर्ट है अभी हाल ही में शाया हुई है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। थोड़ी सी अपसेटिंग है वो ये कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेक्सिको में 60,000 केसेस अभी इसके ओमिक्रोन वेरियंट के, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, खतरनाक जी खतरनाक कम है लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं है। सो प्लीज बार बार आप लोगों को, इसलिए हम इस टॉपिक पे, आई एम श्योर बहुत सारे लोग ना इस तरह की टॉपिक्स देख के चैनल भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि बट स्पेन ने ये हटा दिया, आई टोल्ड यू पहले भी कि स्पेन ने हटा दिया है कि मास्क ना लगाओ, इसको ट्रीट करो एज अ कॉमन फ्लू। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो ऐसा ऐसा इसको तस्लीम करें कि हाँ भाई अब जिंदगी भर साथ ही रहना है। मैं उन खातून का बस बता दूं जो हमारी पॉलिटिशियन थी सना, शायद आपको नाम याद हो, मुझे याद नहीं आ रहा, जिन्होंने कहा था कि कोविड 19 उसको इसलिए कहा जाता है कि उसके 19 वेरिएंट्स हैं। उस टाइम तो हमने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन अब जैसे वेरिएंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है 19 वेरिएंट्स आएंगे। नहीं 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 नहीं,
ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। COVID-19 का नाम 19 से रखा गया था बिकॉज़ वो 19 वो तभी तो हमने मजाक उड़ाया, लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन 19 वेरिएंट्स होंगे मुझे लग रहा है, अल्लाह ना करे, लेकिन वी जस्ट होप के 19 ना हो, जितने भी हैं बस अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम इससे लड़के जूझ के बिल्कुल अपनी सेहत और सेहतयाब रहें और हमें तंदुरुस्ती दे और हमारे जितने भी प्रिकॉशन है बस हमें वो फॉलो करें, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा हल नहीं है इसका, ट्रस्ट मी। बिल्कुल ठीक कह रही है ना, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कराची जो है वो मेन टारगेट हुआ, जैसे मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था आप लोगों को, आई मीन सबसे शेयर भी की थी कि स्पेसिफिकली जो है वो कराची को टारगेट किया गया है कि इसमें ज्यादा जो है वो, हाँ ओमिक्रॉन ने मैप में लगाया कराची ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाना, कराची ठीक है, क्योंकि वो आपने जैसे कायनात भी हमेशा कहती है ना कि लावारिस छोड़ा गया तो इसीलिए वो कहीं और नहीं जाता, वो यहीं आ जाता, तो इसलिए प्लीज कराची वालों अपना गरीब को दुख दे रहा है ओमिक्रॉन नहीं लेकिन अर्शिया सिर्फ ओमिक्रॉन नहीं ना, गुर्बत भी बहुत है पाकिस्तान में। हम मैं अगर स्पेसिफिक अपनी कंट्री के बारे में बात करूं इस टाइम दुनिया में क्या है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो हम माने ना माने लेकिन ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही कहलाई जाती है क्योंकि यहाँ पे गुर्बत है, बहुत सारी चीजें हैं और अभी डेवलप्ड कंट्री है ये, डेवलप्ड हुई नहीं है तो, बट वही वाली बात है कि हम ओमिक्रॉन करें या हम जितने भी वेरिएंट हैं जो आने वाले अल्लाह ना करें, बट इन केस अगर आने वाले हैं क्योंकि हमें हो गई ना आदत अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमिक्रॉन, इससे भी अगर आगे कोई आ गया वेरिएंट तो बेसिकली यहाँ पे गुर्बत है सारी चीजें, हम ये वेरिएंट के बारे में तो सोच रहे हैं, तो फिर हुकूमत को चाहिए, सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ पे इस तरह की भी चीजें करें जो गरीब है वो भूखा ना मरे, वेरिएंट है तो घर में बैठेगा, मास्क लगाएगा, काम पे नहीं जाएगा, चीजें नहीं करेगा, तो इस तरह के वसाइल जो उनके लिए कर देना ताकि वो भी इजी हो जाए। मैं आपको 10 की गुड न्यूज और बैड न्यूज देता हूं, ठीक है जी। बैड न्यूज ये है कि हमारा जो कर्जा है अराउंड 17.5 या 8 बिलियन डॉलर्स है, ठीक है, पाकिस्तान का कर्जा है। रिसेंटली पाकिस्तान के साथ फ्रॉड हुआ, पाकिस्तान से लोगों ने 20 बिलियन डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी खरीदी और वो गिर गया, तो कौन सा गरीब मुल्क है जो हमारे कर्ज है उससे ज्यादा हम लोग फ्रॉड वो लॉस करके बैठ गए। तो इट्स अबाउट कि 20 बिलियन डॉलर्स हमने इन्वेस्टमेंट की लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, हम कहां से गरीब है, गरीब मुल्क नहीं है, गरीब लोग हैं, पॉवर्टी है बहुत ज्यादा और इलिटरेसी भी है। यस बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम, जैसे कि मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी कि SOPs को जो है वो आप लोग ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, क्योंकि कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने मास्क नहीं लगाया आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपनी एहतियात अपना ख्याल खुद ही करें तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। और मैं आपको अगर सिंध हुकूमत के हवाले से थोड़ा बता दूं, जो कि पाबंदियों का इतलाक हुआ, ये एक और जो है वो आप रिपोर्ट देख लें जिसमें तमाम तर पाबंदियों के हवाले से जो है वो उन्होंने बताया कि इनडोर जितनी भी डाइनिंग है उस पर पाबंदी लगाई और महकमा दाखिला की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन बकायदा तौर पर अब जारी हो गया, जिसमें जो है वो 300 अफराद को शादी की तकरीब में या किसी भी मुख्तलिफ जो तकरीबात होती है उसमें इजाजत होगी और ये 15 फरवरी तक जो है ये ओवरऑल पाबंदियां लगाई गई हैं। 15 फरवरी आई डाउट ऑन दैट, समझ रहे हो, समझ रहे हो, सभी समझ गए कि 15 फरवरी तक क्यों लगाई गई है, तो ये हकीकत बात है। अब हम और जो है वो अपने अवाम को टेंशन नहीं देते हैं क्योंकि हमारे अवाम टेंशन से जो है वो चैनल ही तब्दील कर लेंगे। हम नेक्स्ट अपनी न्यूज पर पढ़ते हैं जी, किसके पास गुड न्यूज है? जी हाँ, मेरे पास गुड न्यूज भी कह सकते हैं, बैड न्यूज भी कह सकते हैं। जैसे कि सबको ये पता चल गया है कि सर्दियां जा चुकी हैं और सबने लगता है कि अपने स्वेटर्स अपने गर्म कपड़े जो है वो तय करके रख दिए क्योंकि आपको पता है आप दोनों ने कोट पहने हैं। नहीं वैसे नॉर्मल कोट हमारे ऊपर जून को हमारे ऊपर तो बारिशों का सिलसिला जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, सर्दी भी दोबारा से आ रही है, तो प्लीज अभी जरा अपने जो गर्म कपड़े रख दिए हैं वो प्लीज निकाल लें ताकि सर्दियां आ रही हैं दोबारा से और फिर से जो है वो आप लोग वेलकम करें। मुझे लगता है कराची में भी आएंगी, बिल्कुल नहीं नहीं आएंगी आएंगी सना, आप कैसी बात कर रही हैं, अभी पिछले दिनों में कितनी सर्दी रही है और लोगों ने डबल डबल स्वेटर्स पहने जैकेट्स पहनी है, बहुत सर्दी हुई है इस बार, तो क्या कहना चाहेंगे? तो सर्दी आएगी या बारिशें आएंगी? बारिशें भी आएंगी और साथ में सर्दी भी लाएंगी। पानी आएगा? पानी तो डेफिनेटली सब छोड़े, गैस आएगी, अभी अभी थोड़ा वेट करें। उसी अब बहुत वैसी अभी भी सर्दी हो रही है हमारे, ऐसी चल रही है ना, सब झूठ बोल रहे हैं। आप कवर ना करें, जो आप बगैर अपर या जैकेट्स के बैठे हैं कवर ना कीजिए। मुझे बताएं कि जो टेम्परेचर है वो कितना गिर रहा है इस बार? यूनिस सिंगल डिजिट में आके जो है वो गिरेगा। और दूसरी चीज ये है कि ये जो नया जो स्पेल स्टार्ट होने वाला है तो इट्स वेरी डेंजरस। हैव यू हर्ड कि आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स आपके ग्रैंडफादर या मदर्स फोर फादर आप उधर आजादी से पहले चले गए, मैं थोड़ा पीछे लाएं, 70s 80s में सुना है मैंने, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई वाज नॉट इन दिस वर्ल्ड,
बर्फबारी हुई है कराची में? जी 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 हाँ, हाँ, मैंने ट्राई किया जी, मैंने आपने देखा होगा ना? नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने सुना लेकिन कि हुई थी कराची में किसी जमाने के अंदर बर्फबारी। तो अगर फॉर एग्जांपल कभी ये टाइम आया एंड कराची में फिर से बर्फबारी हुई तो कुछ नहीं होगा, लोग आएंगे बाहर स्टेटस लगाएंगे, अंदर जाके फिर पकोड़े और चाय और फिर टीवी अंदर। नहीं, 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 एक आपसे सवाल है, आई मीन यहाँ पर जल्दी जो है वो मौसम क्यों इतना जल्दी चेंज हो जाता है? कराची के पास टाइम नहीं है, हर चीज जल्दी में करते हैं। उर्शिया एक्चुअली जो वेदर है ना, बहुत जल्दी जो चेंज होता है, क्लाइमेट का जो सारा सिस्टम है, जो हमारी दुनिया का निजाम है, वो बॉम्ब ब्लास्ट हो या वायरसेस हो, उस वजह से बहुत जल्दी चेंज होता है। हकीकत बात है, लेकिन पता है उर्शिया जो कराची की अगर बात करें, कराची का इतना ज्यादा ये जो चार मौसम कराची के एक दिन में होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि कराची तो मौसी नहीं, नहीं पांच होते हैं, मानसून कैसे भूल सकते हैं। हाँ। छठा भी होता है, रश का भी मौसम होता है रात को 9 बजे के बाद। एक और भी होता है वो गैरत का मौसम, मगर वो कभी नहीं आता वो कभी नहीं होता। लेकिन मैं अब बताती हूँ कि कराची बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ ये मौसी हब है, तो यहाँ पर इतनी सारी जो आप पता है फैक्ट्रीज वगैरह बनी होती है, उसके धुएं निकलते हैं, तो ये बहुत ट्रैफिक बहुत होता है हमारे कराची में। आप लोग तो आम बारिश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक आवाम के साथ एक फैक्ट शेयर करूँ कि वीनस जो हमारा प्लैनेट है उसमें एसिड की बारिश होती है। मैं आपको बताऊँ की ग्लोबल वार्मिंग में सिर्फ गर्मी नहीं बढ़ेगी, सर्दी भी बढ़ेगी। बिल्कुल। और सर्दी में आपको चाहिए ब्लैंकेट, जैकेट्स, जैकेट्स के लिए चाहिए पैसा, पैसे के लिए चाहिए कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं एक ठंडे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, हम इस शो के जरिए किस किस पे बात करते हैं आपकी सोच है, हम ग्लोबल वार्मिंग पे बात करते हैं, हम टेररिज्म पे बात करते हैं, हम हर चीज पे बात करते हैं, लेकिन जो अभी जो हम जिस पे बात करेंगे वो हम फ्यूचर की बात करेंगे, क्योंकि फ्यूचर लोग कहते हैं कि आएगा, लेकिन अब फ्यूचर आ गया है। फ्यूचर का मतलब टेक्नोलॉजी, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है इस दुनिया में कि आपकी सोच है, हमारी सोच है, सबकी सोच है, इसी सोच से उर्शिया की सोच पूछेंगे, आपकी क्या सोच है? जी यूनुस, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी सोच जो है वो पूछी है। जो आज की जो न्यूज़ है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सऊदी हुकूमत ने जो है जदीद रिपोर्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर भी रहे हैं और किए भी हैं, तो मैं थोड़ा सा और वजाहत भी कर देती हूँ अपनी न्यूज़ से, ताकि लोगों को और भी पता चल जाए कि टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है और कितना जो है वो लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है। इस पर मैं और मज़ीद आप लोगों को वजाहत भी कर देती हूँ। मस्जिद हरम की जो सफाई हो रही है रिबोट्स के थ्रू, और ये कितनी जदीद बात है कि टेक्नोलॉजी कहां कहां जो है वो काम कर रही है। रोबोट्स के लिए तालियां बजती है क्या? ये जन्नती है, कंफर्म जन्नती है ये रोबोट। रोबोट्स के थ्रू जो है वो सफाई हो रही है, और साथ ही साथ ये है कि इसके फायदे क्या है, एक घंटे में जो है 1,000 square meters जो है वो सफाई कर सकता है, मतलब इतनी दूर तक जो है वो सफाई कर सकता है, और साथ ही साथ जो है 68 लीटर पानी जो है वो अपने अंदर रख सकता है और जरासीम को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है कि कहीं पर भी जरासीम होंगे तो फौरी तौर पर जो है वो ग्रैब कर सकता है। देखिए यूनस, अगर कुछ भी 99% भी मिल रहा है तो इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए, और इसमें कैमरा भी है, सेंसर्स भी हैं, और ये सारी चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी से जो है वो रिलेट करती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप लोगों को पता है कोविड से रिलेट अगर ये बात अगर सोची जाए, तो अगर आप लोगों से मिलते हैं तो कोविड स्प्रेड होता है, रिपोर्ट्स अगर मिलेंगे तो वो तो स्प्रेड ही होगा ना। अगर इनके जो जरासीम है कोविड के जर्म्स है वो रोबोट के लगे हुए, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये तो नहीं कि हवा में जाके वो गायब हो जाते हैं। अगर रोबोट जो स्टील का उसके साथ लगे हुए, इफ यू आर इंटरेक्टिंग विद दैट रोबोट, तो क्या आपको हो सकता है? देखिए मैं आपको एक और चीज बताती हूँ जी, डॉक्टर सना आपसे पूछना था। मैं एक आपको बताऊं कि आप अगर देखें ना सऊदी अरब के अंदर पूरा जो ये हरमैन शरीफ है उसके अंदर जगह जगह पर जो है वो सैनिटाइजर स्प्रे लगे हुए हैं, यानी वो आपको ऊपर से इस तरह से उन्होंने लगाए हैं कि आप जब अंदर भी जाएंगे और अंदर भी जब आप होंगे हरमैन शरीफ के, तो आपको ओवरऑल जो है वो स्प्रे लगता रहे यहाँ पर भी, हाँ, ताकि आप जो है वो जरासीम से महफूज रहे। और दूसरा ये है कि उर्शिया, तो आपकी न्यूज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, उसका रीजन ये कि सऊदी अरब आप देखें कि किस तरह से जदीद होता जा रहा है, क्योंकि पहले मुझे याद है कि आप जमजम के लिए जो है वो इन्होंने रोबोट रखे थे कि रोबोट जो है जितने भी वहां पर इबादत गाह में आते हैं इबादत करने के लिए, उन तमाम लोगों को जो है आप जमजम तकसीम कर रहे होते थे। जी अच्छा, सीरियसली उर्शिया, लाइक आई एम नॉट एस्टोनिश्ड एट ऑल, क्योंकि वी आर समवेयर हेडिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन ना, हम ये रोबोट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन हम जा रहे हैं तबाही की तरफ। क्योंकि जी यूनुस, आप अच्छा मान ले आप रोबोट हैं और आपको मैंने इन्वेंट किया है, ठीक है, आप मेरे हाथ से बनाई गई एक क्रिएचर और आप रोबोट हैं, मैंने आपको कमांड दिया है कि प्लीज होल्ड द कप,
एग्जैक्टली आपने देखा, ये आपके सामने मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है, मैंने इनको अपने हाथ से बना, मैंने इनको बोलना है क्या आपने सिर्फ वो ही करना है जो मैं आपको बोल रही हूँ। मैंने इन्हें कहा था होल्ड द कप, ड्रॉप द कप नहीं कहा था। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपने अगर एक चीज रोबोट बनाई है, ठीक है कोरोना नहीं फैल रहा, जर्म्स नहीं फैल रहे, मैंने अपने एक प्रीवियस शो में बोला था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और वो 10 तरीकों में इस तरीके से आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट पड़ेगा, सोल्जर्स की जहां अब रोबोट्स को खड़ा कर देंगे, वहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन अगेन उसके बाद भी सिर्फ वो दिफा कर रहे हैं कंट्री का या उस जहां का, बॉर्डर का, सरहद का, या उसके बाद देखिए उसके अंदर ना एक चिप डलती है रोबोट्स में, प्रोसेसर होता है उनका, और ये पूरा एक टेक्नोलॉजी। लेकिन टेक्नोलॉजी 100% सेफ रिलायबल कैसे है, ये इस चीज पे मुझे थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ उतना ही करेंगे जितने तक उन्हें महदूद किया गया है, वो खुद से भी कुछ कर सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन अनम आपने सही से पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना था ना, आपने ये रोबोट बनाया जो कि पहले भी खराब था आज भी खराब हो गया। देखे रोबोट खराब हो जाए, इंसान खराब नहीं होना चाहिए। मैं एक कहना सब्ट्रैक्ट आपने जो बोला उसमें ऐड नहीं करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। हाँ, देखें एक रहती इंटेलिजेंट लाइफ हमारी, इंटेलिजेंट वी आर इंटेलिजेंट स्पीशीज, ह्यूमंस की बात कर रहा हूं। रोबोट्स में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड होगी ना, तब जाके वो खुद ही उठाएगा और खुद ही रख सकता है, वो कमांड को फर्दर एक्सप्लोर कर सकता है जो भी उसको टास्क दिया गया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि अनम आपने कहा कि हम लोग डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, नहीं, अगर ये रोबोट्स पाकिस्तान आ गए तो वो अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ आएंगे। मैं बता रहा हूँ क्या होगा, रोबोट्स को पहले किडनैप किया जाएगा, फिर उसके जो पार्ट्स है ना कराची में एक जगह शेरशाह वहां बिक रहे होंगे, तो ये भी एक मसला है। जी यूनस, आप तो वाकई एक डिफरेंट ही एंगल लेकर आते हैं। जो यूनस कराची के बारे में बताते हैं वो एक अलग ही बताते हैं, बट बैक टू द टॉपिक आते हैं, ओशिया ने बहुत अच्छी न्यूज लेकर आया। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हरमैन शरीफ में अगर आप देखेंगे जगह बहुत बड़ी है, ठीक है, जगह बाहर तक जाती है, तो वहां पे जितने लोग थे, मैं अक्सर जब मैं उम्र पे गई तो मुझे था कि क्या बार बार इसी तरह से सफाई, इंसान है ना थक जाता है। रोबोट्स का ये है कि कहीं भी कचरा आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, जो कप्स होते हैं या कोई भी खाने की जो चीज है, हरम के अंदर तो नहीं, हरम के अंदर तो अलाउ ही नहीं है, जो बाहर लोग रख देते थे वो अक्सर मैं देखती थी कि पाँव में पड़े हुए चीजें और आप जा रहे, मतलब सफाई अनहाइजेनिक चीजें लगती है ना आपको ये। तो जो रोबोट्स है ना वो क्लीनिंग, तो देखिए क्लीनिंग वे में अगर आप कहें हाइजीन की वो सफाई आपको हरम मिलेगी, बट वही बात है ना टेक्नोलॉजी, हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पर अपनी जिंदगियों के अंदर और यूज टू कब होंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। अभी भी वो लोग हैं, आई एम सॉरी, जो उसी हरम में जा जाके रोबोट को टच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, सेल्फीज बना रहे होंगे, सब चीजें वो करेंगे, क्योंकि टाइम लगेगा। और अगर टाइम हमें कम लगे तो ही बेहतर है, क्योंकि आगे आने वाला दौर जो है वो रोबोट्स का ही है। कायनात की बात से एक मुझे बात याद आई है कि घर में जैसे फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आता है ना, पहले दौर की बात करूं तो वो बड़ा सब बैठते हैं, सबसे पहले तो अबा का साया था जी कि मतलब आपको बैठना है, यूज करना है, और सब जो है बड़े एक्साइटेड होते हैं कि नहीं नहीं घर में टीवी आई है, कंप्यूटर आया है। तो वही बात है कि जैसे कि ये रोबोट्स आए हैं तो वो सब वहां पर जाएंगे, तो सबसे पहले जो है वो सेल्फी लाजमी लेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज, हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत ऑफ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उर्दू, उर्दू इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बट द वे वी स्पीक इट, इट्स वेरी ऑफ। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज अक्सर देखा होगा कि तो कंप्यूटर नया नया आया था तो बोलते क्या कर रहे हो, मैं कंप्यूटर बैठा हूँ, अरे कंप्यूटर टूट जाएगा, तो दिस इज रॉन्ग। आप ऐसे नहीं, आप बोले कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। Okay, now I get it why you were saying about language. Yes, language is very important. Yes, जी। तो sometimes I wonder कि ये जो robots आगे आने वाला future तो हमारा इन्हीं पे ही depend करता है। अब अगर robots आ जाते हैं और अगर उनमें कोई ऐसी वैसी, देखिए इंसान के को फायदा पहुंचाने के लिए ये चीज बनाई गई है, लेकिन आप सोचें क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और जब भी आप कोई चीज बनाते हैं तो इट कम्स विद प्रोज एंड कॉन्स बोथ। तो अभी तक हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि फायदा है, ईजी हो जाएगा लाइफस्टाइल हमारा जो है वो, उसमें बहुत सहूलत एंड कम्फर्ट होगा, ठीक है, लेकिन हैव यू एवर इमेजिन या थॉट ऑफ दैट कि उससे कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा। तो ये बेहतर है कि जो डिसएडवांटेजेस उससे हो सकते हैं हम उसके लिए भी पहले से ही प्रिकॉशंस निकाल के रखें, ताकि ऐसा ना हो कि कोरोना की तरह हम पैनिक हो जाएं और फिर रश करें। तो अगर हमें पहले से पता होगा तो वी विल बी बेटर प्रिपेयर फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स। आई विल आस्क अ क्वेश्चन, तो बेसिकली रोबोट जो है इंसान का गुलाम है क्या? नहीं, मैं ये सवाल आपसे करना चाहता कि व्हाट डू यू थिंक, कि टेक्नोलॉजी इंसान की गुलाम है या वाइस वर्सा?
वाइस वर्सा, आई वुड लाइक टू से वाइस वर्सा, क्यों? क्योंकि मैं कंप्यूटर को चला रही हूँ, उसमें टेक्नोलॉजी है, वो भी इंसान ही ने बनाई है ना, जी, जी, जी. लेकिन अब उसको ऑपरेट करने के लिए भी इंसान ही का हाथ चाहिए. जी, जी. मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगी जो मुझे बहुत ज्यादा जरूरी लगती है, वो ये है कि देखें, आप लोग कह रहे हैं कि रोबोट बन गए, रोबोट की दुनिया आ जाएगी, हम मतलब परेशान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा तबाही फैल जाएगी, कोई भी चीज करे, इंसान का जो दिमाग है ना उस तक कोई नहीं पहुंच सकता. इंसान ने मशीनें बनाई, इंसान ने रोबोट को बनाया, इंसान ने क्या क्या किया, अब एक रोबोट जो है वो भी मोहताज है एक इंसान के कमांड की. I'll disagree with you, Sana. I'll tell you why. I'm being very logical. आप ये समझें कि जो इंसान का जहन है उसने तो बना दिया, बट अभी मैं आपसे बोलता हूँ 23 × 107/6 क्या आंसर आएगा, आप नहीं बता सकते, आपको टाइम लगेगा, रोबोट एक सेकंड में बताएगा. हम जो इंसान है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, जो इंसान है वो पीछे जाते जा रहे हैं, उनका वो इंसान डम होता जा रहा है, इंसान मोहताज हो गया. नहीं, वही वाली बात है कि इंसान ने दे दी है पावर, दे दी है, रिलायबल हो गया ना एग्जैक्टली. अब रोबोट्स जो टेक्नोलॉजी है, अल्लाह ना करे जो मूवीज में दिखाया जाता है, बहुत सारी डिस्टोपियन नॉवेल्स हैं, मूवीज हैं जिसमें फ्यूचर बताया गया है, इनडायरेक्टली ऐसा हो सकता है अगर ऐसा चलता रहा, क्योंकि प्रिडिक्शन बंदा करता है. यहाँ क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाएंगे और ये आप बताएंगे कि वी रिलाय ऑन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिलाय ऑन पीपल. ब्रेक का टाइम हो गया, मैं नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि सना कह रही है कि इंसान जो है वो गुलाम नहीं है टेक्नोलॉजी का, और यूनुस खान कह रहे हैं कि इंसान जो है वो गुलाम बन चुके हैं टेक्नोलॉजी के. ब्रेक का टाइम हो गया है, तो मिलते हैं एक रोबोटिक ब्रेक के बाद. सना वर्सेस यूनुस. वेलकम बैक, दिस टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय यूनुस खान. टाइम हो गया है वॉइस नोट का, वॉइस नोट मौजूद है, अगर आप चाहते हैं अपना वॉइस नोट चलाना तो ये नंबर दे रहे हैं, कॉल करो, ठीक है. परफॉर्म करने आना है तो नंबर दे रहे हैं, कॉल करो, वॉइस नोट मौजूद है, चलते हैं वॉइस नोट की जानिब. जी वॉइस नोट. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ. आप लोगों का शो रोज देखता हूँ, काफी इन्फॉर्मेटिव शो है, बहुत अच्छा लगता है आपका शो देख के. आप लोग काफी जो है वो अपडेट यानी जदीद बातें करते हैं जो दुनिया में चल रही हैं, जो पाकिस्तान में चल रही हैं, ओवरऑल टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं. आई थिंक सारा ही एरिया आपने कवर किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा चूंकि एक ई कॉमर्स का बिजनेस है और मेरे दोस्त कुछ पार्टनर्स भी हैं, लाहौर से भी हैं, इस्लामाबाद से भी हैं, तो हम कुछ जो है ना लड़के साथ मिलके एक पूरा हमने एक कंपनी बनाई हुई है अपनी. तो मुझे ये बताएं कि ये जो डिजिटल पे जो काम हो रहा है, जो ऑनलाइन शॉपिंग है, इसके बारे में भी लोगों को अवेयर करें कि ये कितनी ज़्यादा फायदेमंद है डिजिटल के ऊपर, अगर हम ऑनलाइन पे आते हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स पे आते हैं. और अभी सुनने को ये भी बहुत आता है कि जी जो है ना ये फ्रॉड होता है और इस तरह ऑनलाइन शॉपिंग में बड़े मसले होते हैं, तो ये जो वर्चुअल और फिजिकल मार्केट की एक जो जंग चल रही है उस पर भी जरा प्लीज डिस्कस कीजिएगा. थैंक यू. अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है. okay. काशिफ, अच्छा हुआ आपने पूछा और आपने बताया कि आप ये खुद काम कर रहे हैं, तो यकीनन आपको बहुत सारी चीजें हमसे ज्यादा बेहतर पता होगी. लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग पे जाती हूँ तो मुझे हमेशा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से जो क्वालिटी अच्छी नहीं आती. देखिए, नुक्स निकालने वाले तो अच्छी चीजों में भी नुक्स निकालते हैं. अब ये देखें कि ये कितना आसान हो गया हम सबके लिए, घर बैठे बैठे मुझे मार्केट भी नहीं जाना पड़ता और मैं ऑर्डर करती हूँ और मुझे जो चीज चाहिए होती है. पहले क्या होता था, मैं किसी, अब एग्जांपल दे रही हूँ, किसी अरब को या हॉलीवुड एक्ट्रेसेस को कोई चीज पहनते हुए देखती थी, मैं कहती थी ओ लाइक काश पाकिस्तान में भी आउटलेट में ये चीज हो, क्योंकि पाकिस्तान में आउटलेट तो है लेकिन हमारे हिसाब से जैसे कपड़े शलवार कमीज या दूसरी जीन्स एंड शर्ट भी तो एक अलग ही क्वालिटी के कपड़े मिलते थे जब आप ऑनलाइन ही जब आप शॉपिंग पे जाते, तो फिजिकली जब आप शॉपिंग पे जाते, बट ऑनलाइन में आपको हर तरह की वैरायटीज होती है, स्टफ भी बहुत अच्छा आता है. अब डिपेंड करता है आप किस पेज से मंगवा रहे हैं, मैं किसी के यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही, डिपेंड करता है कि क्या उनकी रेटिंग्स हैं, क्या उनका, ये सब चीजें बहुत मैटर करता है. और जो लोग आपसे पहले कहें पाकिस्तान में स्पेशली कि आप ना ऑनलाइन से पैसे भेज दें तो ना भेजें, आप बोलें कैश ऑन डिलीवरी, तो ये भी है कि जैसे फ्रॉड वाली आपने बात की थी, इससे आप इस तरह से बच सकते हैं. लेकिन चीजें वैरायटीज बहुत अच्छी होती है, डिपेंड करता है कि आप अच्छी जगह से ऑनलाइन ऑर्डर करें. बिल्कुल ठीक कह रही हैं कायनात. जैसे कि आप लोगों को पता है कि घर में बैठे हुए आप बिस्तर में बैठे हुए हैं और आराम से जो है वो पहले आप स्क्रॉल करते हैं, पूरी सर्च करते हैं और सुकून से जो है वो बिस्तर में बैठ कर आप शॉपिंग कर लेते हैं, कोई चीज़ मंगवानी है, और ये सहूलत भी है. और नुकसान इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगी कि जैसे कि आप लोगों को पता होता है कि कुछ चीज़ें फेक आ जाती हैं,
कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ मिल जाता है, वो दूसरी एप्स होती हैं या दूसरे पेजेस होते हैं, जब आप उनको लाइक कर लेते हैं आपको पता नहीं होता, उनके फीडबैक्स नहीं पता होते, तो उस पे आप नुकसान उठाते हैं। अच्छा, पहले तो आपने ये जो सवाल किया है कि क्या डिफरेंस है दोनों में और किस तरीके से ये चीज हमारी जिंदगी में सहूलत या आसानी पैदा करी है और हमें किस चीज की तरफ जाना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसने हमारी जिंदगी में बहुत आसानियां पैदा कर दी हैं, क्योंकि हम घर बैठे बैठे जो भी लेना चाहें, इवन के इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस तक और छोटे से छोटा सामान तक उसमें अवेलेबल है। बात है कि डिजिटल की अपनी मार्केट है और फिजिकल की भी अपनी एक वैल्यू है। कंपैरिजन दोनों का एक दूसरे से करना गलत बात है। देखिए, आपको बैठे बैठे अगर एक चीज मिल रही है, फायदा पहुंचा रही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप ये कंप्लेन करते हैं कि आपके पास चीज अच्छी नहीं आ रही, या हम बहुत सारे लोग हैं, मैंने सुना है, वो कहते हैं कि ई कॉमर्स पे हम रिलाय नहीं करते, अच्छा सामान नहीं आता, क्वालिटी के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो आपके पास जैसे आप अगर फिजिकल को ज्यादा रिलायबल मानते हैं, तो डिजिटल में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको किसने कहा कि जो आपके सामने सबसे पहला मॉड या प्लेटफॉर्म आ रहा है आप उसी पे जाके अपना ओके कर दें। आप वहां पे जैसे आप बाजार में जाते हैं, आप बहुत सारी जगह देखते हैं, रेट्स को कंपेयर करते हैं, क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, फिर आप जाके अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं, क्योंकि पैसे आपके हैं तो चीज भी आपकी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। तो सेम गोज विद डिजिटल, ऑप्शंस वहां भी मौजूद हैं, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट इन अ राइट वे। और टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, सारा आगे आने वाला वक्त जो है वो डिजिटल ही होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जो कि फिजिकल हैं, अब वो भी उन्होंने अपने वर्चुअल लाइक डिजिटल ऑनलाइन कर दिए हैं, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कि आगे आने वाले वक्तों में हर चीज फिजिकल से वर्चुअल पे मुंतकिल हो जाएगी। तो समझदारी इसी में ये कि आप भी जितना जल्दी हो सके अपने थॉट प्रोसेस डेवलप कर लीजिए डिजिटल शॉपिंग के लिए। मैंने तो जी दोनों चीजों की जो है एक्सपीरियंस लिए हैं, और मैं आपको बताती हूँ, एक अच्छा रहा और एक बहुत बहुत ज्यादा बुरा रहा मेरा एक्सपीरियंस। वो ये है कि सबसे पहली चीज आप देखें कि जो इन्होंने कहा कि कैश ऑन डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि जब पार्सल आपके घर में आ रहा है तो आपको इजाजत नहीं देते हैं कि आप वो खोलें। आप पार्सल खोल नहीं सकते हैं तब तक जब तक आप उसकी पेमेंट ना कर देना, और उसके बाद वो रिटर्न नहीं होता। जो ऐसे ये उनकी बात कर रही हूँ जिनके पेजेस पर जो है वो रेटिंग अच्छी नहीं होती है, तो मैंने इत्तेफाक से, मुझे बहुत ज्यादा जल्दी थी तो मैंने इतना गौर नहीं किया। जब वो पार्सल मेरे घर पे आया तो वही रिवायती जो इनका एक अंदाज है कि आपने पहले पेमेंट करनी है, उसके बाद आपने पार्सल जो है वो खोलना है। जब मैंने पार्सल खोला तो वो बहुत ज्यादा, मतलब जो चीज मैंने ऑर्डर की थी वो बिल्कुल भी वो नहीं निकली, और मेरा जो कपड़ा था, मैंने बेसिकली कपड़ा ऑर्डर किया था, और वो एक सूट जो है उसमें आप ये समझे कि शर्ट बन सकती थी बस, आगे का कुछ नहीं बन सकता था। तो मेरे साथ वो वाला जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस हुआ। सना, आप ये तो कह रही है ना कि पूरा एटलीस्ट आपको शर्ट बनाने का मौका तो मिला, कुछ लोगों का तो ये हाल था कि कुछ पार्सल आए और फटे हुए कपड़े मिले हैं। बिल्कुल ऐसा भी होता है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस आप मुझे देख रहे होंगे, ये भी ऑनलाइन ऑर्डर की मैंने मंगवाया है। लेकिन अब जो है, क्योंकि अब ये है कि आपको पता है हमारे पास टाइम नहीं होता है कि आप मार्केट जाएं और जाकर आप एक एक अपना जो है जो भी आपको खरीदनी चीजें, एग्जैक्टली आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं। अब ये है कि मैं आराम से बैठी और मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, लेकिन कहां से, जहां की मैंने रेटिंग देखी, जहां के मैंने कमेंट्स पढ़े कि यहां पर अच्छी चीज है, तो मैं इस तरह से फिर मैंने अपनी लाइफ को जो है वो एक आपने फिजिकली जो हम जाना होता है वो कम कर दिया और ऑनलाइन की तरफ आई। और वैसे भी कोविड है जी, मार्केटें वैसे ही बंद होने वाली, अंदर की बात है, मार्केटें अंदर की बात है कि बंद होने वाली है, तो आपने नहीं जाना है, आप घर बैठकर आराम से इसी चीज की तरफ आ जाएं। और बिजी भी तो लाइफ इतनी है ना कि बाजार जाने का टाइम भी नहीं मिलता, तो इजी अगर कोई अच्छी ऐप होती है, अच्छा कोई आई मीन पेजेस होते हैं, तो आप उनको लाइक करके ऑर्डर कर, कुछ अच्छा ही हो रहा है ना, मतलब कुछ बुरा तो नहीं हो रहा, दोनों तरफ काम चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छी बात है कि हम लोग एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू कम्पीट विद इंटरनेशनल पीपल या कुछ जो आते हैं ट्रेंड्स, बिकॉज ई कॉमर्स का ही जमाना है। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन, तो सर ई कॉमर्स पहले मैं बता दूं कि आप डिजिटली आप लोग पैसे कमा सकते हैं, घर बैठे कमा सकते हैं। आई विल गिव यू सम टिप्स। नंबर वन, डिजिटल शॉपिंग, जैसे आप कर सकते हैं बैठ के अपने कपड़े बेचें, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं भी, कोई बहुत सारी एप्स है, अलमारी, कोई शॉप वगैरह ऐसी है तो आप कर सकते हैं। दूसरा एनएफटीज, एनएफटीज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ हमारे प्रीवियस शो में, अगर आप चाहते हैं कि एनएफटीज में इन्वेस्ट करें तो आप ये हमारा शो देखें जिसमें हमने एनएफटीज एक्सप्लेन किया है और कैसे होता है, उसको फर्दर भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। नंबर थ्री है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग है, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप एडिटिंग कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं फॉर द पीपल। इंटरनेशनल मार्केट जो सबसे बड़ी मार्केट है फ्रीलांसिंग की, वो है अमेरिका में। अमेरिका से बहुत ज्यादा काम आता है, पाकिस्तानी बच्चे 12-12, 15-15 साल के बच्चे यूटिलाइज कर रहे हैं इस चीज को और हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं मंथली बेसिस पे। नंबर फोर है टीचिंग, यू कैन टीच। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई क्राफ्ट है, आप सिंगिंग सिखा सकते हैं, आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सिखा सकते हैं, टीचिंग के कोर्सेज आप निकाल सकते हैं। इंटरनेशनल बहुत सारे फ्रीलांसिंग एप्स हैं, तो लोग आपकी वीडियोस लेंगे, खरीदेंगे, आपको पैसे देंगे, आप कमाएं।
पांचवा है कुकिंग फॉर वुमन स्पेशली, दे आर वेरी गुड एट कुकिंग, इवन दो मेन आर द बेस्ट कुक, बट औरतों को हम ये जाने देते हैं. औरतों अगर आप घर बैठी हुई है, आप तो एक तो डिलीवरी कर सकती हैं डिफरेंट एप्स के थ्रू अपने खाना, प्लस यू कैन टीच देम कुकिंग कि कैसे आप सिखा सकते हैं. पाकिस्तानी फूड की बहुत वैल्यू है, मसाले इंटरनेशनल मसाले अगर आप कम करें, बिरयानी जो है ये अमेरिका में भी खाई जाती है विद कम मसाला. और यूनुस जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन में स्पेसिफिकली लोगों ने ये बिजनेस बनाया था, आई मीन खवातीन की बात करेंगे कि घर में कुछ बना रहे हैं तो वो आई मीन उन्होंने ऑनलाइन वहीं से जो बेसिक जो सिस्टम था वो लॉकडाउन में ही स्टार्ट हुआ था. पाकिस्तान में वो ऑलरेडी था ट्रेंड, बट लॉकडाउन में बूस्ट की लोग जाने देते हैं, लेकिन खवातीन थी उनको कॉस्मेटिक भी चाहिए लॉकडाउन में, उनको कपड़े भी चाहिए, उनको शॉपिंग भी करनी है. तो खवातीन जो है हमारे मुल्क की, उन लोगों ने बहुत बूस्ट किया, बहुत हेल्प किया बूस्टिंग आर इकोनॉमी. रिटर्न पॉलिसी की बात की कि ये कैश ऑन डिलीवरी, पूरी दुनिया में क्रेडिट कार्ड्स पे पेमेंट होती है, पेमेंट बिफोर डिलीवरी. ये हमारे यहाँ अलमिया है कि कैश ऑन डिलीवरी, बिकॉज कहीं ना कहीं सूद फैक्टर आ जाता है तो लोग इससे घबराते हैं, इससे दूर रहते हैं. इट्स अप टू देम कि वो क्या करना चाहते हैं, बट पूरी दुनिया में जरूरी है कि आप पहले क्रेडिट कार्ड अपना स्वैप करें या नंबर भेजें, वो पैसे कटेंगे फिर आपके पास चीज आती है. बट हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने देखा हो किसी दुकान पे आप जाएं, किसी फिजिकल शॉप में आप जाएं, तो आपको दिखेगा कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा. ये सबसे बड़ी बकवास हरकत है हमारे मुल्क में. बट इंटरनेशनल अगर हम जाते हैं, जेफ बेजार की जो कंपनी है जो एक फॉरेस्ट पे बना हुआ है जिस फॉरेस्ट को आग भी लग चुकी थी, तो वो उस कंपनी की बात कर रहा हूँ. उसके अगर आप जाएंगे लंदन में, उनके अलग अलग बॉक्सेस होते हैं हर कॉर्नर हर स्ट्रीट पे. आप रिटर्न कर सकते हैं, आपने अपना नंबर डाला और उसमें बॉक्स खुला आपने डाल दिया, सब ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है. हमारे यहाँ बहुत ही ये मसला है. और क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी, अगर आप सही ऐप से जाए ना, जो हमारे यहाँ एक दो ऐप्स हैं जो अच्छी ऐप्स हैं जो रिटर्न पॉलिसी पे करते हैं, पूरी दुनिया में मैं हमेशा कह चुका हूँ पहले भी कि गोरे हमसे बेहतर मुसलमान है. बिकॉज ये जो निजाम है रिटर्न पॉलिसी का कि कस्टम इज ऑलवेज राइट, इट वॉज इन आवर रिलीजन टू फॉलो दिस, बट गोरा आर फॉलोइंग इट, क्योंकि वो ले लेते हैं रिटर्न पॉलिसी, लाखों की चीजें भी वो रिटर्न कर लेते हैं. दैट इज द रीजन कि वो जो जंगल पे बनी है कंपनी जेफ बेजार की, ये दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी है. This is the reason, return policy. Yes, badi sites have their own exchange and return policies. बिल्कुल ऐसा ही है. और यूनुस सीरियसली आपने सारे एंगल जो है वो कवर कर लिए है. और मैं जो हमारी खवातीन हमें देख रही होती हैं और वो बहुत ज्यादा बेशुमार प्यार और मोहब्बत जो है वो आप हमें देते हैं, हमारे शो को पसंद करते हैं, जो आपके कॉमेंट्स होते हैं हम पढ़ते भी हैं और उसके बदले हम आपको गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन आप लोग हमें तस्वीर बिल्कुल नहीं भेजते हैं तो तस्वीर भी भेजा करें. मैं एक चीज बताऊँ, वो खवातीन जो घर में हैं और उनका हमारी जो खवातीन है उनका एक अलमिया है, वो ये है कि उनको हर त्योहार में जो है वो अलग एक नया बहुत भरकीला सा ड्रेस चाहिए. तो जब वो एक बार पहन लेती है तो उसके बाद क्या होता है कि वो एक कबर्ड के एक कोने में पड़ा रहता है और वो बिल्कुल खराब हो जाता है. अब जो ये ऑनलाइन सिस्टम है जिसके जरिए आप क्या करें, जो एक बार आप कपड़े पहन लेती हैं उसके बाद आप वही कपड़े ले उनकी तस्वीर बनाएं और उसे सोशल नेटवर्क पर जो है वो आप सेल कर दें. इससे क्या होगा कि आपके वो जो कबर्ड में एक साइड सिर्फ घेरा हुआ रखा हुआ है ना, वो भी खाली हो जाएगा और साथ में वो लोग जो कि नए कपड़े नहीं कर सकते हैं वो खरीद लेंगे और पैसे भी आ जाएंगे आपके. सना ये तो फिर इंकलाब आ जाएगा सना, बिकॉज औरत की अलमारी में 10,000 कपड़े होंगे, ये फिर भी शिकायत करेगी अपने शौहर के मेरे पास पहनने के लिए कुछ है नहीं. मैं आपको बस ये बताता हूँ, ई कॉमर्स आ रहा है आहिस्ता और बूम करेगा. बस जस्ट वांट टू टेल यू कि अभी हालात क्या है कि जो रेट्स हैं, जो मार्केट के रेट्स हैं, जो प्राइसेस हैं, जो अगर आप कहते हैं फॉर एग्जांपल खर्चे हैं, एग्जांपल देता हूँ आपको, जो हमारे खर्चे हैं वो है आलमी मंडी की तरह, ठीक है. जो हमारी सैलरी है वो है सब्जी मंडी की तरह, ठीक है. और जो हमारे हालात है वो मवेशी मंडी की तरह है. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में. और ब्रेक पर जाने से पहले सीरियसली हम बात कर रहे थे ई कॉमर्स के हवाले से. और जब ई कॉमर्स की बात हो रही होती है तो क्यों ना मोईशत को भी जो है वो बीच में लाया जाए, क्योंकि ये मेरे पास आज गुड न्यूज है. ओके, ब्रिंग इट ऑन. फाइनली मेरे पास भी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है. वो जी ये है कि हमारी पाकिस्तान की जो मोईशत है उसको फायदा हुआ है. और आपको पता है कि जो एक वर्ल्ड रैंकिंग इंडेक्स होता है बेसिकली, जिसमें तमाम तर ममालिक की मोईशत देखी जाती है कि कौन कितना अमीर है और कौन कितने नंबर पर है, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि उस इंडेक्स में जो है वो पाकिस्तान ने ग्रो किया है और ग्रो करके पाकिस्तान जो है वो अब 35वें नंबर पर आ गया है. हाँ, अमीर मुल्क है. हम अमीर हमारे पास पैसा आया है, पैसा आया है. तो ये पैसा भी कैसे आया है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान ने जो है वो रिसेंटली अपनी जो है वो इक्तसादी सरगर्मियों में इजाफा करके और एक अलहदा तरीकेकार जो है मईशत का अपना कर जो है उसके जरिए जो है वो मुल्क की मईशत में 3.1 ट्रिलियन का इजाफा जो है
है वो हुआ है, यानी कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने मंजूरी दी इस बिल के लिए जो कि 3.1 ट्रिलियन का था, उन्होंने इसकी मंजूरी दी। अब बिल की मंजूरी देने के बाद जो है क्या हुआ, बिल की मंजूरी देने के बाद पाकिस्तान के पास जो पैसे पैसा आया है वो आया है जी $347 बिलियन तक जो है वो इजाफा हुआ है, और हमारी जो एक रैंकिंग थी वो हमारी 35 पर पहुंच गई है। तो इसके लिए सबसे पहले तालियां। Is it because of loan? नहीं, is it because of FBR? ये सिर्फ और सिर्फ FBR की वजह से जो है वो हुआ है, वो इसलिए कि FBR की कुछ ऐसी पॉलिसीज है जो उन्होंने चेंज की है। और दूसरा ये है कि आपको पता है कि वज़ीरे आज़म इमरान खान साहब जब से आए हैं तब से हम एक चीज रोज सुनते हैं, वो है जी लोगों ने टैक्स देना फाइनली शुरू कर दिया है। मुझ जैसे लोग, हम जैसे लोगों ने तो शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ अभी भी बैठे हुए हैं जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो छुपा के रखी है, अकाउंट सीज हो रहे हैं। हमारी सिंगर भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट वो छोटी सी हाइट के आवाज बड़ी है, चाइना पार्ट टू है वो, क्योंकि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एंड उनके अभी रिसेंटली केस जो अकाउंट से फ्रीज किए गए हैं। बिल्कुल यूनुस, और पाकिस्तान की एक इसी तरह से जो है वो टिकटॉकर बहुत ज्यादा फेमस है, उनके ऊपर भी FBR ने जो है वो अपना अब कार्रवाई शुरू कर दी। और जो पाउंड्स के साथ वीडियो बना रही थी, जी जी मैं उसी की बात कर रही हूं यूनुस। तो ये मुझे समझ नहीं आती टिकटॉकर्स जो है ये क्यों शो करते हैं अपने आप को अमीर, अगर आप अमीर नहीं है तो क्या आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे? यूनुस मैं हमेशा बड़े, अब आप फिर वही मुझे पॉइंट करेंगे, क्योंकि आप बड़ों से ही आपको एजुकेशन सबसे पहले आपके घर से मिलती है, फिर बाहर जो है दुनिया आपको सिखाती है। बड़े हमेशा कहते थे कि जिनके पास होता है ना वो शो नहीं करते, वो दिख जाता उनकी बात से, उनके पहनने ओढ़ने से। जिनके पास नहीं होता, जिन्होंने नया नया देखा होता ना पैसा, वही शो करता है। शो वाज अबाउट टू से दैट कि रियल पीपल विल नेवर शो, और जो दिखाते हैं वो होते नहीं। आई वाज अबाउट टू नॉट टू से दिस बट आई थिंक मार्क ज़करबर्ग को अगर आप ले लें, एंड ही वेयर्स जस्ट अ ब्लैक टी शर्ट एंड ही वॉक्स अराउंड इन अ ब्लू जींस, एग्जैक्टली, और ये अच्छी भी बात है। जॉब्स, जैक मा, वो भी बहुत, जैक मा, अच्छा जैक मा जैसे बिल गेट जी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे जो इनकलाबात और तब्दीलियां आई हैं वो सिर्फ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ही आई है, और बाकी इस दफा FBR ने बहुत अच्छा काम किया है। और इस ये सारी जो चीजें चलाने के लिए जो देखें, अब ये सारी चीजें ज्यादा ऑपरेशनल और ज्यादा फंक्शनल मुझे नजर आ रही है, क्योंकि मैंने इस तरीके से नहीं सुना। लोग बेसिकली बहुत ज्यादा, मैंने तो बहुत दफा शो से बार बार ये बात की है कि FBR की साइड ही क्रैश हो गई थी, और जब टैक्स पे करना था तो लोगों को वेट करना पड़ा था एक से दो दिन के लिए, तो मतलब कि काम हो रहा था। और बहुत सारे लोग अभी टैक्स पेयर बन गए हैं, और वो वाले लोग जो टैक्स नहीं भी पे कर रहे, तो वो भी जो हम चीजें खरीद रहे हैं कहीं ना कहीं टैक्स तो वो उसमें भी अदा करें। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, आपको प्रॉपर फाइलर बनना है, और उसमें फायदा आपका है, मुल्क का है, मुल्क की इकोनॉमी का है बेसिकली। सो वो सारी चीजें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, और सब मैनकाइंड के लिए ही है, मतलब हमारी वेलफेयर के लिए। तो प्लीज अगर आप नहीं है तो बन जाए, इसमें हम सबका फायदा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले तो कभी टैक्सेस भरने की कोई बात ही नहीं करता था, और भरे भी नहीं जाते थे, और कितने कम कम जो है वो टैक्सेस भरे होते थे, इसीलिए तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इतने सारे मसले मसाइल जो है वो चलते हुए आए थे। बट अगर अभी की बात की जाए तो टैक्स अगर भर रहे हैं तो कितना फायदा है, और लोगों के लिए देखिए ना, जैसे गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कूल्स के लिए कितने फायदेमंद है, तो ये अच्छी बात है। तो प्लीज जो लोग फाइलर नहीं है, जैसे कि अनम ने भी कहा है कि जो लोग फाइलर नहीं है तो प्लीज अल्लाह का वास्ते फाइलर हो जाए, और अपने टैक्सेस जो है वो लाजमी भरें। इधर बात फाइलर नॉन फाइलर की है ही नहीं, इधर जो बात हो रही है ना कि देखें एक चीज समझें, फाइलर्स या नॉन फाइलर्स, उनको अगर सैलरी मिल रही है ना टैक्स डिडक्ट होके मिल रही है। इधर दूसरी है इनकम टैक्स, आपके पास ये पैसा कहां से आया, प्रॉपर्टी टैक्स, दूसरे टैक्सेस हैं जो लोग नहीं दे रहे। अभी भी आज के जमाने में लोग 2-3 हजार टैक्स दे रहे होते हैं सर ना, बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, 2000 टैक्स दे रहे हैं। तो वही वाली बात है, आपकी इनकम कुछ तो होगी ना, आपकी जो सैलरी भी मिल रही है आपको वो बहुत ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आर यू गेटिंग इट? जी जी बिल्कुल, हम क्या आवाम भी समझ गए, समझ रहे हो। तो व्हाट आई वांट टू से है कि देखिए टैक्स तो देना है, अभी नहीं देंगे तो क्या मत के दिन देंगे, ठीक है। और वो वाला टैक्स जो है ना उसके साथ तो ऐसे कोड़े पड़ेंगे ना आग वाले, आहा निशान। चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी आप देखिए आप किसका हक मार रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बोलता है कि यार मैं नहीं देना चाहता गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, अरे मेरी जान, आपके वो जो टैक्स मनी है उससे गरीब लोगों का इलाज हो रहा है फ्री में, exactly. सेहत कार्ड बन रहे हैं, फ्री एजुकेशन मिल रही है। हालात खराब है, आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट दैट, बट दैट डजंट मीन कि जो एक बच्चा है जो गवर्नमेंट स्कूल में, एक बच्चा तो पढ़ लेगा ना किसी स्कूल में, exactly. आप उससे उसका तालीम का हक छीन रहे हैं,
आप उससे उसकी सेहत छीन रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट विद ऑल द हम्बलनेस इन दिस वर्ल्ड कि प्लीज पे योर टैक्सेस. यूनुस आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बहस ये नहीं है कि टैक्स देना है कि नहीं देना. देखिए आप ये चीज समझे, बहुत सारे लोग हैं बिजनेस वाले, जो मैं कहूंगी बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनके एम्प्लॉयज काम करते हैं. हम कहते हैं ना कि एक दफा याद है टॉपिक पे डिस्कशन भी हो रही थी कि जो 15,000 से कम की सैलरी जिनकी होती है वो टैक्स नहीं देते, बल्कि उनको हम टैक्स हमारे जो सैलरीज में से पैसा जो कटता है उनकी हेल्प करिए. और यही होता है हमेशा, जिसके पास जो पावर है या पैसा है तो वही उस इंसान की हेल्प करेगा कि जिसके पास दो वक्त की रोटी भी नहीं है. ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज कहूंगी कि इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा तनकीद की गई थी टैक्स 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 टैक्स. इमरान खान साहब ने फिर भी जो है उनकी गवर्नमेंट ने और उन काफी ऐसे लोग थे इमरान खान साहब को इनकी पार्टी में मशवरा दे रहे थे कि सर थोड़े हल्के हाथ रखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि इसी टैक्स से पैसे, इसी टैक्स के पैसे से कर्जा भी उतरेगा, पाकिस्तान की इकॉनमी भी बूस्ट होगी. और यही आज चीजें हम देख रहे हैं जो उन्होंने पहले वादा किया था वो आज हम होते हुए देख रहे हैं. लेकिन पता है अलमिया कहाँ पर है? अलमिया यहाँ पर है कि वो गुजरा जो बहुत ज्यादा कमा रहे होते हैं, आपको पता है कि तमाम तर सियासी लोगों की बहुत ज्यादा एक अलग उनकी सैलरी होती है, बड़ी भारी भरकम उनकी सैलरी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो टैक्स ना दें और अपने असासे छुपाए, चले असासे छुपाने का तो ये तो बिल्कुल एक अलहदा मामला है, लेकिन टैक्स ना देना यानी कि आपको पता है कि आपको जो है वो इतनी सैलरी मिल रही है और इतने परसेंट आपके टैक्स बनता है, लेकिन उसके बावजूद जो ये हमारे सियासी वुजरा है वो टैक्स ना दे, तो इनके ऊपर तो बाकायदा एक टीम बैठनी चाहिए. देखिए जो टैक्स है वो व्हाइट मनी पे, ब्लैक मनी पे तो कोई टैक्स ही नहीं है, ब्लैक मनी है वो. उसमें क्या से टैक्स देंगे? वो ब्लैक मनी का टैक्स देंगे कहेंगे ये तो जेल चले जाएंगे. वो छुपा रहे ब्लैक मनी, व्हाइट मनी पे टैक्स है, ब्लैक मनी पे टैक्स नहीं. लेकिन जो सैलरी है वो तो व्हाइट मनी हुई ना, हमें नहीं पता. हमें इस चीज से भी डाउट है. तो बात यहाँ पे ये है कि पैसा आपके पास ब्लैक हो या व्हाइट हो, देखिए टैक्स जो है वो आप दोनों सूरतों में अदा कर सकते हो, वेदर इट्स ब्लैक या व्हाइट मनी. तो खुदा का वास्ता अगर ब्लैक भी है तो उसको व्हाइट करके टैक्स अदा करें और कुछ तो जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज अदा करें. बिल्कुल ऐसा ही है ना. और वजीर आजम इमरान खान साहब ने बकायदा ये मौका सबको दिया था, मतलब उन्होंने ये मौका दिया था जब वो नए नए दौरे हुकूमत में आए थे, उन्होंने तमाम लोगों को कहा कि जनाब आपके पास अगर समझे 4 रुपए हैं तो आप 2 रुपए टैक्स दे दे, अगर आप 2 रुपए टैक्स दे देते तो 2 रुपए आपको रखने का मौका है. वंडरफुल स्कीम्स है ना, दैट्स वंडरफुल. व्हाट वी कैन डू कि अगर ये बात इमरान खान साहब तक पहुंचा दें कि पहले भी उन्होंने ऑफर की उन दो खानदानों को कि आधे पैसे ले आए और मुल्क का कर्जा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एडिशनल इंसेंटिव भी दे दें कि आप कर्ज वो आधे पैसे तो लाएं, उसके बाद हमको क्लीन चिट देते हैं भाई, आपको जो करना है फिर उनको खाओ, फिर थोड़ी दिन बाद कुछ सालों बाद वापस आधे ला दो, हम कर्ज ऐसे पे करते रहेंगे. अनम जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए हम तो टैक्स देते हैं ठीक है, लेकिन टैक्स तब दे पाएंगे जब हमें पैसे मिलेंगे ठीक है, सैलरी मिलेगी, सैलरी तब मिलेगी जब एड्स चलेंगे. तो प्लीज एक कमर्शियल ब्रेक लें. बिफोर आई टेक द ब्रेक मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई अगर यहाँ पकड़ नहीं हो रही तो आगे आपकी पकड़ जरूर होगी, तो इसलिए अल्लाह का वास्ता है आप सबको, अपना भी जो है अभी का टाइम सेव करें और आगे आने वाले वक्त के लिए भी आपके लिए चीज अच्छी है, तो किसी का हक ना खाएं, अपना भी भला करें और दूसरे का भी भला करें. बट यहाँ हम कमर्शियल वालों का हक बिल्कुल नहीं मार सकते. सो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस. वेलकम बैक. ये जन्नत की वादी है या खून की वादी है? ओ हाँ, ये कश्मीर की वादी है. बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है दिल थाम ले, क्योंकि आज दिल थामने वाली ही बात है. मैं ये बात कहूंगी उन तमाम लोगों को जो फैशन आइकॉन तो बनते हैं कि फैशन आइकॉनिक, यू नो, हाँ मैं उस इंसान को बहुत फॉलो करती हूँ, मैं इस इंसान को बहुत फॉलो करती हूँ. मैं आज तमाम पाकिस्तानी आवाम से कहना चाहूंगी कि प्लीज थोड़ी देर के लिए सोचे कि ना ही किसी को फायदा है, ना इस शो की TRP के लिए मैं ये बातें कहूंगी. मैं बात कहूंगी कि इंसानियत मर चुकी है हम सब में. लाजमी नहीं है कि लाठी चलाएं या गोली मारें या किसी की चादर उतारें, लाजमी ये है कि हम भी तो उस जुल्म में खामोश हैं. मैं बात करूंगी एक ऐसे इंसान की कि जो ना ही इस खित्ते में रहता है, ना रोज देखता है कि कितना जुल्म होता है, मजलूमों की चीखों पुकार सुनता है, बस कहता है तो कहता है कि इंसाफ कहाँ है. यहाँ पे बात करूंगी इंडियन चीफ आर्मी के बारे में. वैसे तो आप मेंटली सिक हैं, लेकिन आपको ज्यादा लाइमलाइट नहीं देना चाहूंगी, लेकिन सर जो आपके साथ हो रहा है वही आप डिजर्व करते हैं. आखिर ऐसा क्या हुआ है जनरल मनोज मुखंड के बारे में?
क्या ऐसी न्यूज है कि जो आज हम शो में इख्तिताम पे इसे हम चाहते हैं कि आपको आगाज में भी हंसाएं इख्तिताम में भी हंसाएं, लेकिन कैसे हंसें जब हमारी कश्मीर की वादी जन्नत की वादी में इतना खून हर जगह खून और आहू पुका है। यहाँ पे बरतानवी लॉ फर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है और क्या कर रहे हैं। आप सबको पता होगा स्टॉक वाइट जो एक लॉ फर्म है। अच्छा आप चीजें अगर देखें, मैं एक आज बहुत सारी जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करूंगी, मेरे साथ रहिएगा। मैं इतने सादे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहती हूँ कि बच्चा अगर ये यूट्यूब पे भी वीडियो जाकर देखे या माँ बाप के साथ बैठ के देखें तो आखिर पूछें कि क्या हो रहा है कश्मीर में और उनके माँ बाप उन्हें बताएं कि क्या हो रहा है कश्मीर में। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक वाइट की जो कंपनी है, जो लॉ फर्म कंपनी है, यहाँ पर केस गया कैसे? खुद तो केस आप नहीं बना सकते, खुद इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे कश्मीर के जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने एप्लीकेशंस दी थी। कश्मीर के अंदर इंडियंस जो है कश्मीरियों की आवाज नहीं सुन रहे, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, तो अब उन्होंने इंटरनेशनल जो दरवाजा है, जैसे कहते हैं लॉ फर्म का दरवाजा, उन्होंने खटखटाया है कि हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ पे जितना जुल्म हो रहा है उसके बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। पाकिस्तान तो हमेशा कश्मीर के लिए आवाज उठाता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी आवाज उठाई, तमाम पॉलिटिशियंस ने, हम सब मीडिया बहुत आवाज उठाता है आप सब, लेकिन आवाम को भी अब एजुकेट करने का वक्त आ गया। मैं बात करूंगी स्टॉक वाइट का जो लॉ फर्म है, इन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया, जो बहुत सारी दरख्वास्त आई, बहुत सारी एप्लीकेशंस आई, जो सबसे पहले स्टॉक वाइट लॉ फर्म के डायरेक्टर हैं, उनका नाम मैं आपको बताती हूँ, हाकन कम्यूज, हाकन सर जो हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है इन्होंने एक रिपोर्ट है, दरख्वास्त है, वो दी है बरतानी पुलिस को। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन, जिनका मैंने नाम लिया जनरल, और जनरल के अलावा जो आला अहदेदार हैं, जो फौजी ऑफिसर्स हैं आर्मी के, जो इंडियन आर्मी के फौजी ऑफिसर्स हैं, उनके भी इस रिपोर्ट के अंदर जो है नाम है। और मैं आपको बताऊं, ये रिपोर्ट ऐसी ही नहीं है, ये रिपोर्ट शहीदों की खून की कीमत है, इस रिपोर्ट में सबूत है। ये सबूत कैसे है कि स्टॉक वाइट, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे है कश्मीरियों के साथ, लेकिन वो जो वहां पे बैठे हैं, मैं वो सिर्फ और सिर्फ दलाइल पे बात करेंगे। शायद मैं यहाँ इमोशनल हूं, शायद देखने वाले कहेंगे कि आप बहुत इमोशनल जज्बाती हो रही हैं, क्योंकि हाँ मैं उनका दर्द रखती हूं, लेकिन जिसकी मैं बात कर रही हूं हैकन कम्यूज की, इन्होंने तो तमाम सबूत देखे हैं और सबूत देखकर ये ना ही पाकिस्तान को उस तरह से सपोर्ट करेंगे ना ही इंडिया को, ये देखेंगे जुल्म हो रहा है कश्मीर में, और उसी में बात करेंगे। स्टॉक वाइट की जो रिपोर्ट है, ये 2020 और 2021 के अंदर जो जितनी भी शहादतें हुई हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं इन्होंने जारी किया, इसमें प्रूव्स हैं कि इंडियन आर्मी खुद, उन कैमराज में रिकॉर्ड आया कि इंडियन आर्मी जनरल और उनके आला अहदेदार जो हैं वो खड़े होकर कश्मीरी, जो मजलूम कश्मीरी हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं। आप जनरल मनोज मुकुंद की बात कर रहे हैं, राइट? मैं आपको बताऊं कि स्टॉक वाइट लॉ फर्म की ये जो रिपोर्ट है ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक ट्वीट भी छोटी सी, वो भी शेयर करूंगी और एंड में आपको ये जुल्म की असली तस्वीर दिखाऊंगी कि जो कश्मीर में हो रहा है मुसलमानों के साथ, और उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है और इंडिया हमेशा से जुल्म ढाता है, लेकिन इस दफा तो हद ही पार कर दिया है। दुनिया में कोई भी मुल्क अगर इंसानियत के खिलाफ तशद्दुद कर रहा हो तो आलमी इदारे जो है उसके उस पर मुकदमा दायर कर सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो इंडियन चीफ आर्मी, जिनका कायनात ने जिक्र किया है, जनरल मनोज मुकुंद, मैं उनकी बात करना चाहूंगी कि ये सब कुछ जो है उनके अंडर ही हो रहा है और सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है इसमें। इसके साथ साथ 1000 केसेस जो है वो गन विक्टिम्स के हैं और 300 के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। इसके अलावा 450 केसेस है जिनके साथ टॉर्चर किया गया। एशिया फ्री प्रेस ने ट्वीट भी किया, इसमें मैं आपको आसान लफ्जों में बता देती हूँ। बरतानवी पुलिस ने कश्मीर में भारतीय हुकाम के किरदार की तहकीकात करने को कहा। लंदन की एक कानूनी फर्म स्टॉक वाइट ने बरतानवी पुलिस को एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें मुतनाज़े कश्मीर में जंगी जुराइम में मुबैना किरदार पर हिंदुस्तान के आर्मी चीफ और हिंदुस्तानी हुकूमत के एक आला अहदेदार की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। अच्छा, स्टॉक वाइट का मैं पहले आपको बताती हूँ, यूके बेस्ड है, दोबारा मैं आपको क्लियर करती हूँ, यूके बेस्ड लॉ फर्म है स्टॉक वाइट। स्टॉक वाइट की इस रिपोर्ट में साफ साफ जो है कहा गया है, सबूत भी पेश किए गए कि जनरल मनोज मुकुंद को और अमित अनिल को, इनको जो है फौरन से फौरन गिरफ्तार करें, अगर ये लंदन आते हैं इनके साथ वो जो 6 आला अहदे पे फौजी हैं उन्हें भी गिरफ्तार करें। अब देखना ये कि रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो प्रूफ करती हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, मोहम्मद एहसन उन्टो कश्मीरी जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, इनके साथ भी तशद्दुद किया गया था और इनकी ये पिक्चर प्लीज आप देखें,
दोबारा सोचें, मतलब हम बहुत सारी चीजें, चैन से नींद आती है, चैन से सोते हैं, सुकून करते हैं, लेकिन हम ये चीज क्यों भूल जाते हैं जब हम इंसानियत की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि दुनिया में टेक्नोलॉजी आ रही है। आज भी इस दुनिया में कुछ लोगों के लिए ये दुनिया जहन्नुम से कम नहीं है। इंसाफ देने वाला रब है, लेकिन इंसाफ की पुकार करने वाले हम अवाम में, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे उन मजलूमों के लिए, बात नहीं करती कि कश्मीर, फलस्तीन ले लें, यमन ले लें, तमाम ऐसे मुल्क हैं जहां पे मजलूम मदद मांग रहे हैं, यूएन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉक वाइट लॉ फॉर्म ने यहाँ पे रिपोर्ट दे दी है। अब देखते हैं कि इनकी गिरफ्तारी की दरख्वास्त तो की है, कौन कितना इंप्लीमेंट करता है। कायनात, ये बहुत अफसोस की बात है, और जब भी कश्मीर की बात आती है तो दिल दहलाने वाली जो है वो दिल दहल जाता है जब भी उनकी कोई बात होती है, कोई ऐसी चीज़ें जो सुनने को मिलती हैं। आप लोगों को पता होगा ज़िया मुस्तफ़ा के ख़ानदान ने सबूत दिए हैं इसी रिपोर्ट से रिलेट करते हुए, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ज़िया मुस्तफ़ा वो शख्स हैं जिनको 2021 में भारतीय फौजियों ने कत्ल करके शहीद कर दिया था। बिल्कुल, बहुत बड़ा अलमिया ये, लेकिन मैं एक ही चीज़ यहाँ पर कहूँगी कि हम उन इदारों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने ये ओवरऑल मुद्दा खड़ा किया है, और वो इदारे जो कि बने इंसाफ के लिए, हम उनसे अब इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। इंसाफ मिल जाए बहुत बड़ी बात, अगर ये इदारा, ये कंट्री जहां पे फाइल हुआ है केस, डू यू थिंक कुछ होगा? हम बहुत बात कर चुके हैं इस बारे में, आई डोंट थिंक सो। इट्स यू नो के ये उम्मीद की किरण है, बट आई एम नॉट बीइंग पॉजिटिव अबाउट इट। मुझे पता है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, अनलेस कश्मीरी जो वहां पे रहते हैं, कश्मीर की बात कर रहा हूं, जब तक वो कोई स्टेप नहीं लेंगे, कुछ ऐसा स्टेप जिसकी वजह से इंडिया पीछे हो जाए, तब तक आई डोंट थिंक सो ये होगा। लेकिन पत्थर उठाएं और बंदूकों के सामने आ जाएं। देखिए मैं आप बताऊं, जुल्म बर्दाश्त करने वाला भी जालिम है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा, देखिए मेरी बात समझे, वो शहीद हो रहे हैं। What I'm trying to say here, जो कश्मीरीज अपने कदमों पे खड़े होके जो तहरीक चला रहे हैं, we need to support that. Yes, and I wish them all the luck के इंशाल्लाह इंशाल्लाह they will succeed in their mission. That is whatever, either it's Pakistan or their independent state. True. हमारा शो का टाइम खत्म हो गया है, तो I want to give a tribute to the people of Kashmiris. हम देखेंगे by Faiz Ahmed Faiz. I would like to start. हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, जब जुल्म व सितम के कोहे गराम रुई की तरह उड़ जाएंगे हम, महकमों के पांव तले ये धरती धर धर धड़केगी, और अहले अकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत हटवाए जाएंगे हम, अहले सफा मरदूद हरम मसनत पर बिठलाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेगी खलके खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, वी जस्ट प्रे कि इस दुनिया के हर कोने में पीस हो। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।